पीएम के साथ किया आधिकारिक गठबंधन। पाक पीएम के बयान पर कांग्रेस, आलिया ने कहा कलंक के लिए देखा पाकिस्तानी शो, पाक एक्ट्रेस ने दी शुभकामनाएं। अनादून ने चीन में किया 100 करोड़ से अधिक कारोबारी, बाहुबली 2 को पछाड़ा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बीजेपी के जीतने से शांति वार्ता के अच्छे अवसर होंगे वाले बयान पर ट्वीट किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर मोदी से गठबंधन कर लिया है। उन्होंने कहा, मोदी जी पहले नवाज शरीफ से प्यार और अब इमरान खान आपका चहेता यार, ढोल की पोल खुल गई है। आलिया भट्ट ने कलंक में अपने किरदार में ढलने के लिए पाकिस्तानी शो जिंदगी गुलजारे देखने की बात स्वीकारी है। बतौर आलिया फिल्म में उनका किरदार रूप और जिंदगी में कश्यप का रोल बहुत हद तक मिलता जुलता है। इस पर कश्यप का रोल भी निभाने वाली सनम सईद ने कहा, अगर यह खबर झूठी नहीं है तो मैं बेहद खुश हूँ, शुभकामनाएं। आयुष्मान खुराना और राधिका आप्टे अभिनीत अंधाधुन ने चीन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर कमाई के मामले में बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है। चीन में 3 अप्रैल को रिलीज हुई अंधाधुन 6 दिनों में भीतर करीब 106 करोड़ कमाने में कामयाब रही है। गैर मतलब है कि बाहुबली 2 ने पिछले साल चीन में 80 करोड़ का ही बिजनेस किया था। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।